वृंदावन में गुरु पूर्णिमा पर यातायात व्यवस्था को लेकर दुरुस्त रखने के लिए निगम अधिकारियों ने अतिक्रमण अभियान चलाकर सड़क किनारे हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी मशीन द्वारा हटाया। इस बीच निगम अधिकारियों को स्थानीय दुकानदारों के हल्के फुल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा। यहां बताते चलें कि गुरु पूर्णिमा पर नगर के आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा की तैयारियां जोर शोरों पर हैं। दूरदराज से आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को निगम अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने और नगरपालिका चौराहे से लेकर अटल्ला चुंगी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सड़क किनारे हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को निगम की जेसीबी मशीन से हटाकर अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी कि अगर उनके द्वारा हटाए गए स्थान पर दोबारा से अतिक्रमण किया गया तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अवैध कब्जे किए हुए नाले नाली के ऊपर या सरकारी संपत्ति उसको हम लोग नगर निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई आज करते हैं। आगे भी कोई प्रक्रिया चलाने की रही है? हाँ, हमारा ये अभी मेले तक प्रतिदिन अभियान चलेगा। इसमें जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रखा है उसको हम लोग हटाने की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम लोग वृंदावन क्षेत्र में मुनादी एवं समाज पक्ष के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को लेकर ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। हाँ, बुढ़िया पुनो को कृषि का फैक्ट्री हुआ अभियान चलाया गया। बुढ़िया पुनो के समय से तीर्थ यात्री काफी वृंदावन में आते हैं, इसी को देखते हैं।